सपना से तेजस्वी यादव का केंद्र पर जोरदार हमला, ओबीसी आरक्षण को लेकर ये तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तरफ से उठाई गई है। मांग अगर पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन तक की चेतावनी तेजस्वी यादव दे रहे हैं। हम लोग सड़क पर उतरेंगे, इसके लिए हमारी तैयारी भी है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, तेजस्वी यादव का यह कहना है। कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती, और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल लाइन में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर। तो तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उनकी तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया। नीतीश कुमार को केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए, केंद्र बात नहीं माने तो सरकार गिरा देनी चाहिए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्र पर दबाव बनाए और अगर उससे भी बात न बने तो सरकार गिरा दीजिए। नीतीश कुमार को सरकार गिरा देना चाहिए, यहां तक तेजस्वी यादव कहते नजर आए। तो सरकार अगर है तो नीतीश कुमार की वजह से है, और अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार को यह दबाव बनानी चाहिए और अपनी बात मनवानी चाहिए। अगर नहीं बात बने तो सरकार गिरा दीजिए। तो राहुल गांधी के लोकसभा में जाति पर दिए बयान पर इन दिनों सियासत बेहद गर्म है। राहुल गांधी दलितों पिछड़ों को अधिकार देने की बात कह रहे हैं, पर अगर कांग्रेस के भीतर ही देखा जाए तो पार्टी के दावे जो हैं वो हवा हवाई साबित होते नजर आते हैं। बिहार कांग्रेस में संगठन की बात हो या फिर चुनाव में उम्मीदवारों की बात हो, किस जाति के नेता को कितनी तरजीह इसमें दी जाती है, इसे समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। संसद में एक शब्द को लेकर इन दिनों हंगामा जारी है, वो शब्द है जाति, कास्ट सेंसस। संसद के भीतर चक्रव्यूह से लेकर जाति तक सवाल पूछा जाने लगा है। राहुल गांधी ने दलितों अति पिछड़ों को अधिकार और प्रतिनिधित्व देने की बात कही, पर बीजेपी ने जो आरोप लगाया है वो कांग्रेस के विचारों से ठीक उलट है। बीजेपी नेता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि बिहार कांग्रेस के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के आंकड़ों से पार्टी आलाकमान के दावों की हवा निकल गई है। हम आंकड़े भी दिखाएंगे, बताएंगे, पहले बीजेपी का आरोप सुन लीजिए। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे ब्राह्मण डॉक्टर मदन मोहन झा जी, उनके हटते ही भूमिहार डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, ज्यादातर जिलाध्यक्ष सवर्ण। संगठन में दलित को अधिकार नहीं देना, ओबीसी को अधिकार नहीं देना, लोकसभा में ड्रामा कर रहे हैं आप। बीजेपी के आरोपों को जरा इन आंकड़ों से समझिए। मौजूदा बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह सवर्ण जाति से, इनसे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी सवर्ण हैं, कोषाध्यक्ष निर्मलेंदु वर्मा सवर्ण हैं, पार्टी के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश सवर्ण हैं। बिहार से राज्यसभा का पद सवर्ण से आने वाले अखिलेश को मिला, विधान परिषद भी समीर सिंह को भेजा गया जो सवर्ण है। इससे पहले प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस के एमएलसी बनाए गए थे। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, इनमें सवर्ण जाति से 33 उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया, जबकि दलित 13, पिछड़ा अति पिछड़ा 11 और मुसलमान 13 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी
बिहार कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में 50 सदस्य बनाए गए, जिनमें 25 सवर्ण चेहरे शामिल किए गए। बिहार कांग्रेस का संगठन चुनाव पिछले कई सालों से नहीं हुआ, जिसके कारण संगठन भंग है। बिहार में कांग्रेस ने 38 जिलाध्यक्ष की घोषणा की और ये आंकड़ा भी समझने लायक है। सभी 38 जिलों में पार्टी अध्यक्ष की घोषणा की गई, इनमें 26 सवर्ण हैं। बाकी जिलाध्यक्ष ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलित समुदाय से आते हैं। मतलब ये कि बिहार में 67% जिलाध्यक्ष सवर्ण हैं। सवर्णों में भी सर्वाधिक 11 भूमिहार जाति से आते हैं। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि इससे पहले बिहार प्रभारी दलित जाति से आने वाले भक्त चरण दास को उनके कार्यकाल के एक साल पहले ही हटा दिया गया। बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है, तो आरजेडी की ओर से बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सभी जातियों के नेताओं को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जात की पार्टी नहीं, जमात की पार्टी कही जाती है। कांग्रेस का एक नारा था, न जात पे न पात पे वोट पड़ेगा, हाथ पे। तो इस बातों को समझिए, अभी समय की जो मांग है, समय की ये मांग है कि गिनती करो। गिनती इसलिए करो कि ताकि समाज में जो खाइयां भर गई आर्थिक और सामाजिक, उसको भरने के लिए हमें सही आंकड़ों की जरूरत है। कि भारतीय जनता पार्टी को न तो पिछड़ों से मतलब है, न अति पिछड़ों से मतलब है, न समाज के शोषित वंचित वर्ग से मतलब है, उसको तो सिर्फ मतलब है जुमलाबाजी करने से। अब सफाई चाहे जो दी जा रही हो, जाति वाले राहुल गांधी के बयान से गरमाई सियासत के बीच बीजेपी की ओर से जो जाति और सवर्ण वाला आरोप लगाया गया है, उससे आने वाले समय में सियासी उबाल तय है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। तो नीट पेपर लीक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए ढुलमुल नीति की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक रोकने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एनटीए स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ, एनटीए को आगे ध्यान रखना चाहिए। तो नेट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि दोबारा परीक्षा तो नहीं होगी, लेकिन एनटीए को जरूर फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई कि एक एसओपी तैयार कीजिए भाई स्टोरेज के लिए। पेपर लीक सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन ना हो यह व्यवस्था होनी चाहिए। तो नीट की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि गड़बड़ी बहुत छोटे स्तर पर हुई, उसका रिजल्ट पर कहीं असर नहीं हुआ। अब आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आखिर सियासी दलों की राय क्या है। यूजी पर जो फैसला आया है, उससे तो एक बात स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार, भारत के शिक्षा मंत्री ये जो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पर्चा लीक हुआ है, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। उससे भी तो सवाल उठता ही है।